अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन, नई सुबह, नए मेहमान और नई सुबह के साथ बहुत तेज़ बारिशें भी चल रही हैं कराची में। बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे आप सब लोग और मैं भी बड़ा एंजॉय करके आई हूं, क्योंकि सुबह सुबह बारिश हो और बारिश के बाद शो करने का मज़ा अपना है वो अलग बात है। आज मैंने ये सोचा था कि मेरे टेबल पर पकौड़े समोसे मुझे मिलेंगे, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था बारिश का मज़ा होता है, बारिश में ये चीज़ें खाने का अच्छा लगता है। अभी हमने चाय भी पी है और मेरे गेस्ट से पूछे कि भाई उन्होंने नाश्ते में क्या किया और कितनी दूर से वो आए हैं और ट्रैवलिंग में कोई मसला तो नहीं, क्योंकि बहुत एक तो आउट ऑफ सिटी से बिलोंग करते हैं और दूसरा बारिश में आना, लेकिन जब पता चले तारा रारा शो है तो कोई कैसे नहीं आ सकता। तो भाई वेलकम करते हैं अपने शो पर दिल की गहराइयों से अब्दुल हमीद और यासिर को। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके हूँ। आपको पता है मुझे क्या आना है तारा तारा को? बिल्कुल, जो सबको हंसाते हैं वो कभी खुद कुछ हो सकते हैं नहीं ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो भाई ये हंसते रहते हैं हम लोग, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। हंसना और हंसाना मेरा काम है, अब पता नहीं इनका क्या काम है ये हम उनसे पूछेंगे। मेरा काम तो बस यही यहीं तक महदूद है कि तारा तारा ने आना है, शो करना है, हंसना है और हंसाना है। भाई टिकटॉक स्टार्स हैं और टिकटॉक का भी भूत है सब पे आजकल चढ़ा हुआ है, तो इन्होंने बोला क्यों ना हम भी टिकटॉक बनाएं। तो टिकटॉक के अलावा क्या करते हैं आप? मेरा ऑफिशियली काम है कंप्यूटर का, ठीक है, रिपेयरिंग का। अरे किधर बैठते हैं आप? यूनी प्लाजा में। आज मुझे आप देर से मिले हैं, मेरे स्टूडियो में कभी कंप्यूटर वगैरह ख़राब हो तो आप रिपेयर करके देंगे? जी बिल्कुल। देखो मैं अपने RNN के बारे में सोचती हूँ लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, पक्की फ्री में रिपेयर करके देंगे। और क्या चाहिए RNN न्यूज़ वालों को, ये देखो रिपेयरिंग वाला भी आ गया हमारे पास। भाई जनाब आप क्या करते हैं? सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं। सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं? सिर्फ टिकटॉक क्यों बनाते हैं आप? इसके अलावा आपके पास कोई काम कार नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। सुनने में आया आप शुएब कराची 110 के भाई भी हैं जी, तो आप बड़े प्राउड करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है। और मिलते तो नहीं है उस जैसे कोई काम आप में मुझे दिख नहीं रहे, वो तो बड़ा अच्छा बच्चा है हमारा, बड़ा अच्छा भाई है, हमारे सिंध का बहुत शान है। आपने उसके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड किया ना, हमारे साथ नहीं किया तो कैसे लगेगा यार हम भाई। तो अभी मुझे आप क्या चाह रहे हैं कि मैं शुएब को घर भेजूं और आप नहीं बोलें तो कुछ ऐसा? नहीं, काफ़ी आदत है हमारी, सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ज़्यादा लोग मिलते हैं तो कहते हैं आप शुएब लग रहे, उनको बोलो चश्मा पहने। ओके हो गया। तो भाई अब्दुल हमीद की तरफ हम वापस आते हैं, अब्दुल हमीद से पूछेंगे मोबाइल कंप्यूटर मोबाइल रिपेयरिंग भी आती नहीं, है? नहीं 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 यार, मोबाइल सीखो ना, मोबाइल के तो बड़े छोटे छोटे मसले होते हैं, तो हम बुला सके आपको। ज्यादातर हमारे पास लैपटॉप वगैरह और प्रिंटर वगैरह आते हैं। अपना अकमल भाई यहाँ पे कोई हमारे स्टूडियो में कुछ खराब वराब तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि ये बंदे ने दोबारा हाथ आना नहीं है। कोई प्रिंटर, कोई देख लो लैपटॉप, कोई कंप्यूटर, कोई डेस्कटॉप वगैरह, हमारा सब ओके है, बस ठीक है। वहाँ से इशारा हिल गया कि सब चीज ओके, सब नई अभी ली हुई है तो वैसे ही ओके हो जाएंगे, बस ठीक है। बोलो तो कोई चीज खराब करके दूं आपको, आप रिपेयर करके दें। ये तो आपकी मर्जी है लेकिन मैं आ गया हूं तो बातचीत। ओके भाई, अच्छा टिकटॉक एक कंप्यूटर रिपेयरिंग का मतलब काम, टिकटॉक का शौक कैसे? असल में मैं फोटोग्राफर हूं। अरे ये तो और काम निकल रहे हैं, तुम तो अपने लिए मसले खुद करते हैं, तुम जो है अपने लिए मसले खुद तारा तारा के शो में खड़े करके जा रहे हो। नहीं, कोई बात नहीं, फिर मैंने श्वेत को कॉल करनी, हो जो बंदा आया था ना रिपेयरिंग वाला और फोटोग्राफर, उसको उठा के ले आओ। जी बिल्कुल, आपने पहले भी मुझे कॉल किया था एक दफा फोटोग्राफी के लिए। अच्छा किया था और आपने मुझे ना किया होगा? नहीं मैंने हाँ किया था और आपको टाइम नहीं मिला या कुछ मसला हो गया आपने नहीं बुलाया। अच्छा आपके पास कौन सा कैमरा है? कौन है आप, कहाँ होते हैं? मैं वहीं पे होता हूँ। कहाँ? वहीं पे कहाँ? स्टूडियो में। स्टूडियो नहीं है। कौन से स्टूडियो? आउटडोर मेरा काम है, वीडियोग्राफी का, फोटोग्राफी का। अच्छा केक ज्यादातर कहाँ आउटडोर? जैसे पार्टियां वगैरह इवेंट होते हैं हमारे। ठीक हो गया। उसमें यार तुम इधर आ जाओ मेरे पास, रोजाना मेरे क्लिक्स लिया करो शो के। आ जाऊंगा, रोजाना नहीं। रोजाना नहीं, अरे वहां पे भी तो काम करना है। उसको छोड़ो, लीव कर दो। वहां लीव इट, लीव इट। ठीक है, सही है, कल से यहां ज्वाइन। ठीक है, कल से नहीं, मैं आज से गांव जा रहा हूँ। अच्छा अभी गांव, अभी भाई ये मेरा शो करके गांव के लिए लड़शू हो जाएंगे। खैर खैरियत तो है, लड़काना जा रहे हैं, चक्कर लगाने जा रहा हूँ, तकरीबन 3-4 महीने हो गए नहीं गया। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। फैमिली है वहाँ? यहाँ बैचलर रहते हैं? नहीं फैमिली है यहाँ पे। मैरिड है? जी मैं मैरिड हूँ। तो इतना उदास हो क्यों बता रहे हैं? नहीं
तो यहाँ यहाँ मिसेज होंगी, वहाँ अम्मी अबू होंगे जी। यहाँ पे अम्मी अबू भी, वहाँ पे मिसेज गई है घूमने गई थी तो लेके तो आना पड़ेगा ना। अच्छा वहाँ अम्मी मिसेज है, यहाँ अम्मी अबू है। यहाँ पे अम्मी अबू है, वहाँ मिसेज। तो मिसेज के पास मिलने जा रहे हैं, तो उनसे आप दूर क्यों हैं? वो गई थी अपने घर घूमने के लिए। तो अभी आप लोग कराची लेकर आएंगे? लेने जा रहे हैं मिसेज को? लेने जा रहा हूँ यार, ये सही है मतलब ये आप कैसा लगता है आपको छोड़ने और लेने आने का, वो भी इतनी दूर? बस क्या अगर करना पड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी है, ऐसे नहीं बोलो, वो शो वो देखेगी ना तो बोलेगी कोई, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, नहीं, नहीं। बताया शो कर, शो पर आ रहे हैं आप जी? अच्छा आपने क्या बताया, किसके शो पे जा रहा तारा बोला करो, तारा रारा क्या सुनने वाला भी हंसता है कि भाई ये तारा रारा है क्या? सबको पता है कि आप शो करते हैं, देखता हूँ ज़्यादातर, हम तो देखते रहते हैं आपका शो। अच्छा तो अब भाई ज़िंदगी में कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो जो मैंने काम किया वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज मैरिज, लव मैरिज नहीं किया। लव क्यों नहीं किया? नहीं बस मिली नहीं। नहीं नहीं किया नहीं बस मिली, मतलब एटीट्यूड किया नहीं, मिली नहीं। मिलेगी क्यों नहीं, लेकिन मैंने घर वालों की मर्जी के लिए उसके घर, और अब अम्मी अबू के कहने के। ओहो अफसोस हुआ सुनकर। अच्छा लाइफ में फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या करना है जिंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे काम जो जो मुझे शौक हुआ मैंने वो सारे किए, गोल था वो पूरा हो गया इंशाल्लाह। तुम आगे भी नहीं थोड़ा सा भाई कंफ्यूज हो रहे? नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं, लेकिन जो जो मैंने दिल में सोचे होते वो मेरे हर चीज हुए। कितने बच्चे हैं आपके? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बच्चा हुआ, एक बेटा है जी, बेटा माशाल्लाह। उसको वो भी टिकटॉक? नहीं अभी छोटा है, छोटा है। 13 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो अब मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में अभी आपकी तरफ आते हैं, क्या फ्यूचर गोल्स हैं और क्या ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई? मेरी फिलहाल तक कोई ऐसी ख्वाहिश ही नहीं है जो पूरी नहीं हुई हो। ओह वाह। और बाकी फ्यूचर गोल्स ये मैं तो कहती हूँ ख्वाहिशें ही होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, ख्वाहिशें तो अधूरी रहती हैं। बिल्कुल रह जाती हैं, बहुत से लोगों की रह जाती हैं, मतलब हमारे भाई हैं तो कर देते हैं पूरी। कौन सा भाई ज़्यादा प्यारा है? बड़ा शुएब। आमिर शुएब क्यों नहीं? मारता ज्यादा है शुएब। ये क्या सीन है? ये तो गलत बात है, ये मारता भी है? बिल्कुल। ये अब तुम्हें जब मारे तो तुम मुझे बताना। क्या बोलूंगा, शुएब मार रहा है मेरे को, आगे बचा दो। नहीं ऐसे तो नहीं मारा, कोई गलती होगी तो इसलिए मारा। भाई है समझो, शुएब मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ी बहन हूँ शुएब की, ये समझो। फिर मैं आपके पास दांत लेके आऊंगा कि ये मेरे को मार रहा है, बस सही है, फिर मैं बचा लूंगी। अभी कुछ बोलना है तो बताओ, ऑफ कैमरा में करवा के बोल सकती हूँ? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं बोले। अभी नहीं बोले, चलो ठीक है। अच्छा जिंदगी में क्या करना है आपको, क्या बनना है, क्या फ्यूचर में? जिंदगी में बस ऐसा करना है कि मतलब अपना फ्यूचर क्लियर करना है, ना ही के इतना सक्सेस होना है कि बस मतलब लोग भी पीछे हो और घर वाले। आपको सेलिब्रिटी बनना है? सेलिब्रिटी नहीं भी हो, मतलब ऐसा काम हो कि मतलब हर लोग कैसे पीछे होंगे, ऐसे ही पीछे होंगे? नहीं ऐसे सोना मोती तो लगा हुआ ही नहीं है, लोग पीछे होंगे? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, कोई ऐसे काम भी है जिनमें लोग कम जानते हैं, मतलब नौकरी के लिए हर चीज के लिए लोग उनके पीछे होते हैं। बिजनेसमैन जैसे हो गया, बिजनेसमैन बनना, लैंडलॉर्ड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सोच इंसान ख्वाहिशें तो रख सकता है, बड़ी भी छोटी भी, और पूरी करने वाली जात उस रब की है जो पूरी करता है। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपकी सब ड्रीम्स सच्ची हो, योर ऑल ड्रीम्स कम्स ट्रू, और बहुत आगे तक जाओ। क्या हमीद क्या मैसेज दोगे अपने फैंस को, देखने वाले को, सुनने वालों को? मैं यही मैसेज दूंगा कि अच्छे टिकटॉक बनाओ और ऐसा कोई अच्छा, वीडियो बनाओ। फेवरेट टिकटॉकर कौन सी है आपकी? मेरी अक्सा, अक्सा जमाली जी, माशाल्लाह। आपकी सिंधियों में हमारी अरिशे सुमजो। अच्छा और बॉयज में? बॉयज में हमारा उर्दू है सीएच जुलकर है। अच्छा आपका? अनवर मला। अनवर मला जी जो आजाद अब जो डांस वगैरह करता है। लड़कियों में अक्सा, अक्सा से मिले हैं आप कभी? जी मिला।
जब मिले तो कैसा लगा था फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा लगा। कैसी एक्सा? बिल्कुल अच्छी है, बात करने का तरीका ये वो, इधर देना ये वो। हाँ अच्छा, इन फ्यूचर किससे मिलने का प्लान है? अभी तो इसके से मैंने तक सबसे मिला हूँ, जितने बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं उनसे मिला हूँ। अभी तो ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि किससे मिलूँ। अच्छा, आपको? अरिशे से मिलने की ख्वाहिश है इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जल्दी मुलाकात होगी। क्या मैसेज देंगे फैंस को? फैंस को यही मैसेज देंगे कि अच्छा कंटेंट बनाओ, आगे आओ। और आजकल तो वैसे भी टिकटॉक पे सबकी आईडियां बैंड हो रही हैं, हमारी आईडी पे वार्निंग आई। ये वार्निंग कैसे हटेगी ये तो हमारे को भी नहीं पता। तो मुझसे मिलके कैसा लगा, मेरे शो के बारे में या मेरे बारे में क्या मैसेज दोगे? बिल्कुल अच्छा लगा आपसे मिलकर, और माशाल्लाह से आपका शो मैं देखता रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है देखने, देखूँ जब भी नया नया आपका छूट आता है मैं देखता रहता हूँ। हमारा भी यही मैसेज है, दुबई का मैसेज है कि आपके शो हम लोग रोज देखते हैं, अटेंड करते हैं सुबह सुबह, और नए नए टिकटॉकर्स को देख के हमारा काफ़ी अच्छा फील होता है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहेंगे और आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे नहीं। आप सोच लें, आज आप कैमरे के सामने हैं, जो बोलना है दिल खोल के बोलें, बस इतना ही बोलें। पक्की बात है, पक्की बात है। फिर ना कहना कैमरे की बात, शुएब मैंने ये बोला नहीं। नहीं नहीं भाई, आप ही बस किसी को मैसेज कोई देना है, किसी को कुछ कहना है, किसी अपने अजीज को, प्यारे को, रिश्तेदारों को, मामे के बेटे, मामू, ताए, सबको दे दो, कैमरा ऑन है। नहीं नहीं बस किसी को, पक्की बात है। तो नाजरीन जी हाँ बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल हमीद और यासिर। यार कैसे भूल सकती है, अब्दुल हमीद और यासिर मौजूद थे और जो है बड़ा हमने बहुत ज़िंदगी के बारे में डिस्कस भी किया, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, टिकटॉक ऐप क्या है, टिकटॉक पे आना चाहिए लोगों को नहीं आना चाहिए। और ये अब्दुल हमीद की सबसे खासियत ये है कि कंप्यूटर रिपेयरिंग भी है, तो जिस जिसको कंप्यूटर बनवाना है या लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, कुछ भी, तो आप अब्दुल हमीद से रब्ता कर सकते हैं। फोटोग्राफर भी है, पिक्चर्स क्लिकिंग करवानी है तो अब्दुल हमीद से रब्ता कर सकते हैं। और ये भाई जो हैं टिकटॉक, बस टिकटॉक के ही हैं, सिर्फ टिकटॉक तक महदूद हैं। और अल्लाह ही हाफिज़ है आपका, फिर तो भाई कुछ और काम धंधा भी करो, सीखो भाई से, फ्यूचर में कोई और काम भी देख लें, कोई और है पाएगी तो उस पर हम बैठेंगे। ओके जी हाँ बिल्कुल, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरा ये मैसेज है सबको कि मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, नफ़रतें दूर कर दें, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है, कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। और आजकल तो वैसे भी हालात कराची के ऐसे चल रहे हैं, बारिश ये वो, इतने हादसा हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, मैं देखती हूँ तो बड़ा मतलब दुख भी होता है। लेकिन काफ़ी डेथ, आज तो काफ़ी डेथ भी हुई है, मैंने देखा कि 2 गाड़ियाँ जो हैं वो डूब गई, एक मोटरवे पे वाकया हुआ, न्यूज़ पर सुन रही थी अपनी, और हमारी न्यूज़ एंकर बता रही थी, एक मोटरवे पे वाकया हुआ है सखर, एक मुल्तान बसों का, 20 लोग मर गए, कराची के मुसाफिर, पता नहीं क्या क्या। तो बेशक हम सब अल्लाह के और उसी की तरफ लौट के जाना है, लेकिन अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, एक दूसरे से नाराज़गियाँ ख़त्म करें। और न्यू टैलेंट जो जो आना चाहते हैं मेरे शो पर, इंस्टाग्राम है आरएनएन न्यूज़ का, तायरा स्टंट गर्ल इंस्टा आईडी है, वहाँ पर जाएँ आप विज़िट करें। या एक मैं ये भी कह सकती हूँ शुएब कराची 110 की इंस्टा आईडी में दे देती हूँ, शुएब कराची, आप जाएँ वहाँ पर और उसको तंग करें भाई वो, क्योंकि मेरे साथ हर 24 घंटे समझे लिंक में रहता है, शो के हवाले से भी, काम काज, मीडिया के, तो वो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अगर मेरा रिस्पांस नहीं मिले। तो यही मेरा मैसेज है, अपना रखें ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।